अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर इकाई ने कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापक द्वारा छात्रा के उत्पीड़न मामले में महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। इकाई ने हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हायर व प्रदेश सरकार से मांग की कि तुरंत प्रभाव से उप प्राध्यापक को बर्खास्त किया जाए। इकाई अध्यक्ष प्रशांत ठाकुर ने कहा कि कॉलेज प्रशासन ने जिस दिन घटना हुई थी उस दिन से ही जांच शुरू क्यों नहीं हुई। घटना के दो दिन बाद जब विद्यार्थी परिषद ने इसको आंदोलन का रूप दिया तभी प्रशासन ने इसके ऊपर जांच करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन से ये मांग करता है कि इस तरह की मानसिकता वाले प्राध्यापक को कॉलेज में प्रवेश न दिए जाए। उन्होंने कहा कि इस घटना ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम पूरे हिमाचल प्रदेश में शर्मसार हुआ है। विद्यार्थी परिषद बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत ठाकुर ने कड़े शब्दों में कहा कि जो रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन ने डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन को भेजी है अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद डायरेक्टर हायर एजुकेशन का भी घेराव करेगी। विद्यार्थी परिषद बिलासपुर सरकार से भी ये मांग करती है कि इस घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और छात्र हित में निर्णय नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह के कुकृत्य करने वाले प्राध्यापक को शिक्षण संस्थान में पांव रखने न दिए जाए और इस घटना से अध्यापक समुदाय भी शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए काम करने वाला छात्र संगठन है जो इस तरह की घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने के पीछे नहीं हटता है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो ये घटना घटित हुई है ये बहुत ही शर्मसार घटना है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि अध्यापक और स्टूडेंट का जो पवित्र रिश्ता है वो इस घटना से कहीं ना कहीं जो है वो अपवित्र हुआ है। इस घटना से अध्यापक समुदाय ही नहीं परंतु पूरे समाज और राष्ट्र की जो नारी है वो भी शर्मसार हुई है। तो विद्यार्थी परिषद बिलासपुर इकाई यह मांग करती है कि जो भी यह अध्यापक है इसको तुरंत प्रभाव से जो है वो बर्खास्त किया जाए और कॉलेज कैंपस में जो है इस तरह के अध्यापक को आने से जो है वो रोक लगाई जाए। कीर्तपुर नीरचौक फोरलेन में ठेकेदार का काम करने वाले ठेकेदारों ने धमकी दी है कि यदि उनकी करीब 50 करोड़ रुपए के पैसे का भुगतान न किया गया तो वे फोरलेन का काम बंद कर देंगे। परिधि गृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फोरलेन ठेकेदार जितेंद्र चंदेल ने बताया कि कीर्तपुर नीरचौक का काम वर्ष 2013 में शुरू हुआ था तथा इसका काम जून 2017 में बंद पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस फोरलेन में करीब 70 ठेकेदारों ने विभिन्न निर्माण कार्य किए तथा करीब 50 करोड़ रुपए उनका संबंधित कंपनी में फंसा है। इस फोरलेन का निर्माण कार्य एक कंपनी कर रही थी तथा ये कार्य BOT के आधार पर आवंटित हुआ था। उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनी दावा कर रही है कि उसने करीब 1400 करोड़ रुपए निर्माण कार्य पर खर्च किया है तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इस कंपनी की 13 अगस्त को बैठक हुई थी जिसमें संबंधित कंपनी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुझाव दिया था कि उनसे उसने कुछ लोगों को पैसा देना है जिसकी पेमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर दे और जब उनकी पेमेंट के लिए समझौते की बात होगी तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पैसे को काट ले। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सुझाव को ठुकरा दिया। हालांकि कंपनी ने ठेकेदारों की लिस्ट भी दी थी। उन्होंने बताया कि अपनी बकाया राशि को लेने के लिए वे लोग तत्कालीन सांसद व मौजूदा केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मुलाकात की लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही निकला।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार ने उनके पैसे को निकलवाने का कोई प्रयास नहीं किया और इस फोरलेन का निर्माण कार्य पंजाब की एक कंपनी को दे दिया। इस कंपनी को कीरतपुर कैंची मोड़ तथा जड़ोल के नीरचौक तक का काम आवंटित कर दिया। उन्होंने बताया कि पैसे लेने की मांग को लेकर म्यालवर में गत 7 जुलाई को आयोजित जनमंच में भी शिकायत उठाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वे राष्ट्र हित में इस फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा होता देखना चाहते हैं, लेकिन पहले इनकी पेमेंट होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने भी गत दिनों संबंधित कंपनी के साथ बैठक की, लेकिन उन्हें उस बैठक में बुलाया नहीं गया। उन्होंने बताया कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए 21 नवंबर को बिलासपुर में बैठक रखी गई है और उसमें आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया जाएगा तथा उस दिन डीसी को भी एक ज्ञापन दिया जाएगा। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में काम किया या इस प्रोजेक्ट की वजह से लोग आज प्रभावित हो रहे हैं, उनको 21 तारीख को यहाँ सर्किट हाउस में मीटिंग बुला रहे हैं। उसमें सभी लोगों से निवेदन करें कि सब लोग जिनकी जो जो भी समस्या फोरलेन से रिलेटेड है वो 21 तारीख को हमारे यहाँ पर आए और इस समस्या को लेकर हम जिला प्रशासन से 21 तारीख को मिलेंगे।